झारखंड पार्टी रामगढ़ उपचुनाव जीतेगी, ये हमारा संकल्प है। झारखंड पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आज अपने बैठक के पश्चात ये निर्णय लिया है कि रामगढ़ उपचुनाव हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस चुनाव में हम लोगों ने एक आंदोलनकारी युवा साथी जो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार रामगढ़ के क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं, युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के नाम पर, जय झारखंड अभियान के नाम पर और झारखंड पार्टी के नाम पर, आज हम लोगों ने संतोष कुमार महतो को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड पार्टी का उम्मीदवार विधिवत घोषित किया है। कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष किरण आइंद, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिजवान अहमद, महासचिव उमेश पांडे, हमारे प्रवक्ता आनंद पॉल तिर्की, महिला आर्य बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और हम लोगों ने इस निर्णय को किया है। सभी प्रखंड के लिए हम लोग आज प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं केंद्रीय समिति की ओर से, जो हर प्रखंड में वहां उपस्थित रहकर आज से लेकर चुनाव तक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक एक प्रखंड में उपस्थित रहेंगे और वहाँ के चुनाव के कार्यक्रम को संचालित करेंगे। आज हम लोगों ने स्टार प्रचारकों की भी 11 सदस्यीय सूची बनाई है जिसको हम लोग चुनाव आयोग को भेजने का काम करेंगे। झारखंड पार्टी के स्टार प्रचारक में हमारे दोनों कार्यकारी अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष किरण आइंद जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिजवान जी, इस तरह से मैं खुद भी वहाँ रहूँगा। हम सारे लोग 11 लोग हैं, सारे लोग स्टार प्रचारक के रूप में नियमित वहां रहेंगे। हम लोग शिक्षा, रोजगार, सम्मान और यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के विशिष्ट अस्मिता और विशिष्ट पहचान के लिए हम लोग वो उपचुनाव लड़ेंगे और हम लोग यह साबित करेंगे कि रामगढ़ की धरती से यह जो विकास के नए मापदंड हैं, यह जो मुद्दों की को बदल कर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मान की हमारी जो लड़ाई है, उस संकल्प के साथ में झारखंड पार्टी रामगढ़ उपचुनाव जीतेगी, यह हमारा संकल्प है। माता जिंदाबाद, 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 संतोष माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजीत कुमार जिंदाबाद, 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 अजीत कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड पार्टी जिंदाबाद।